आज है सावन का पहला मंडे और मैं 6:15 में उठ गई थी। देख सकते हैं मंडे 22 जुलाई। सबसे पहले बालकनी खोली और बालकनी में ना इतना अच्छा ठंडा हवा चल रहा था और चारों तरफ से ना चिड़िया कोयल कबूतर बोल रहे थे। एकदम पीसफुल वाला फीलिंग्स आ रहा था। मैं यहाँ पे बहुत टाइम बैठी, पूरा इंजॉय की मैं इस चीज़ को, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो आज मैं आप लोगों के साथ सावन का फर्स्ट मंडे ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एंड यहाँ मैं उठ गई हूँ और आप मेरा स्किन देख सकते हैं क्या लाइट कर रहा है ना। रात को आप नाइट केयर अच्छे से करके सोएंगे ना तो आपका भी स्किन सुबह में कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई सबसे पहले किचन में ब्रेकफास्ट और लंच का तैयारी करने के लिए, क्योंकि पूजा करके आने के बाद ना मन नहीं करता है बनाने का, तो मैं अभी सोची बना देती हूँ, सिर्फ चावल बाद में बनाऊंगी। इधर सब मैं रेडी कर रही थी कि इधर बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया था, देख सकते हैं। तो ये एक अलग ही सोचने वाली बात है ना कि शिव जी को भी हम जल चढ़ाने जाते हैं और सावन का दिन में ऐसा आता है कि सच में उस टाइम बारिश होते रहती है, तो ये एक आपरूपी है ना कि भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए सोचिए वर्षा भी होती है। इधर मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन गया है, मैं ब्रेकफास्ट का सब्जी, दिन का लंच का और दाल वगैरह सब बना दी, बस चावल बनाना बाकी, वो मैं आके बनाऊंगी। इधर मिस्टर उठ गए थे तो मैं उनको वार्म वाटर देने जा रही हूँ। हमारे घर में सबसे पहले सब उठते के साथ गर्म पानी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। और इधर मैं उनको दे कर आई और इधर पूजा घर में आके देखी तो माँ सब कुछ नेट एंड क्लीन कर दी है। इधर पूजा का माँ सब कुछ कर रही थी, ऊपर से फूल भी तोड़ कर आ गया, इतना सारा फूल निकला है ऊपर से। तो अभी माँ पूजा स्टार्ट करेगी, हम उधर जाएंगे फ्रेश होने के लिए, फिर मैं रेडी शेडी होकर आऊँगी। तो अभी आप पूरा ब्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, कहीं भी मत जाइएगा, पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा। मैं आती हूँ फ्रेश होकर। तो मैं आ गई फ्रेश होकर और मैं सोच रही हूँ मैं फेस पे लाइट क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर देखी मैं तो सारा लाइट ऑफ है तो कहाँ से लाइट आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सोची रिंग लाइट में फ़ोन लगा दूँ तो वो भी टूट गया है, तो मुझे ऐसे ही कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। खैर चलिए पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो मैंने ये साड़ी निकाला, मुझे ना डार्क ग्रीन कलर का साड़ी पहनने का बहुत मन हो रखा था। मैं लास्ट गई भी थी लेने के लिए बट आप देखें कि हमको नहीं मिला मेरे मन लायक, तो ये वाला एक साड़ी रेडी था। बट मुझे इसमें भी डाउट है कि इसका ब्लाउज मुझे फिट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ, मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत क्वेरी आ रहा है कि क्या है क्या सीन है। बट मैं किसी को भी इस चीज़ को लेकर रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, इंस्टा पे भी मुझे लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं। मैं सोची हूँ कि अलग से एक Q&A का वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगी, बहुत कुछ मेरे से पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। इसमें आप इसी यही सब इन्जॉय कीजिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं की हूँ वो सब मैं दिखाऊंगी। तो लास्ट शॉपिंग ब्लॉग में मैंने ये चूड़ी खरीद के लाई थी तो वो मैं आज पहनूंगी, हरा हरा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी में भी ग्रीन कलर का और रेड कलर बहुत ही कॉमन होता है, तो मेरे पास एक ऐसे पेंडेंट सेट था तो मैं सोची ये वाला इसके साथ पेयर अप कर लेती हूँ, बहुत खूबसूरत दिखेगा। सिंपल सा छोटू छोटू सा देख सकते हैं, छोटू छोटू सा इसका स्टड है, एकदम क्यूट सा। एंड इसी का मैचिंग है पेंडेंट कुछ इस तरीके से, तो मैं यही पहन लूँगी। एंड साथ ही मैं ग्रीन स्टोन का, मेरे पास 2-4 रिंग भी है तो मैं वो सब निकाल ली जो मेरे को मिला पहनने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन कलर का रिंग वगैरह पहनने में। तो चलिए अब मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे तैसे कैमरा को कहीं सेट कर देती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा जगह सेट हुआ जहाँ पर फेस मेरा अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर लगाई और उसको अच्छे से डैब डैब करके या ठोक ठाक कर उसको एब्जॉर्ब करवा लेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। वैसे जो मैं आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल में दिखाती हूँ ना, बहुत आराम आराम से, रियल लाइफ में मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही झटपट 2x में करती हूँ, फटाफट लगाती हूँ मिलाती हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ मैं फॉलो करती हूँ जो कि मैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूँगी। जैसे मैं यहाँ पर लिप बाम लगाई और उसको मैं फिर पोंछ दी फिर लगाई, तो क्या होता है ना जिसका लिप्स फटाफटा रहता है या सूखा सूखा होता है, तो आप इस तरीके से लिप बाम लगाकर एक कॉटन कपड़ा से रिमूव करिए फिर वापस से लिप बाम लगा लीजिए, तो देखिएगा आपका लिप्स बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं करती हूँ 5 मिनट का ब्रेक। जैसे मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ कि स्किन केयर करने का ना 5 मिनट का ब्रेक लीजिए तो आपका ना बेस बहुत अच्छा होगा। तो उस टाइम मैं फ्री नहीं रहती हूँ, लाइक मैं अगर वो शैम्पू वगैरह की हूँ तो अपने बाल को कॉम करूँगी या बाल का पानी को सुखाऊँगी या हेयर ड्रायर यूज़ करूँगी। और अभी तो फिलहाल मेरे को लेट हो रहा था तो मैं सोची जो ही जल्दी जल्दी मैं कर सकूँ तो सोची मैं सिंदूर ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी शादी वाला सिंदूर लगा रही हूँ, वो भी मैं थोड़ा सा निकाल के रखी हूँ अलग से एक सिंदूर का डिब्बा में ही। तो बर्ड्स के हेल्प से मैं पूरा भर मांग लगाऊंगी, जब भी कुछ फेस्टिवल या मैं फास्टिंग वगैरह करती हूँ ना तो यही सिंदूर
लगाती हूँ और पूरा भर मांग लगाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। तो मेरा सिंदूर भी अच्छे से लग गया है, अब चलते हैं मेकअप पे। तो यहाँ पर अब मैं करूँगी, लगाऊँगी प्राइमर, करूँगी क्या करूँगी पता नहीं, प्राइमर लगाऊँगी, इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और जो जो प्रोडक्ट्स मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल में दिखाती हूँ ना, वही सब प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वही मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाने वाला कुछ और है, लगाने वाला कुछ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेकअप फाउंडेशन ली हूँ और वही सेम ब्रश, और ये ब्रश ना इतना टाइम सेव करता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, फटाफट लग जाता है। मतलब पूरा ना हमको लग रहा है 2 से 3 मिनट में मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया था और बिल्कुल पेची पेची नहीं हो रहा है, एकदम स्मूथ लग रहा है और एकदम नेचुरल टाइप का लग रहा है। उसके बाद मैं अपना हल्का सा अपने आईब्रोज को फिल की मैं लॉरियल का आईब्रो किट से। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने आईज़ को थोड़ा हाईलाइट की हूँ गोल्डन शेड लेकर, बस ऐसे लगा कर ना पूरे आईज़ पे अप्लाई कर दी। उसके बाद पूरे फेस पर मैंने शुगर का कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है। और उसके बाद यहाँ पर ना आईज़ का एक ट्रिक है कि मैं ना ग्रीन कलर का जो आईलाइनर लगाती हूँ ना, मेरा बहुत अच्छे से पॉपअप होता है। तो मुझे बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि आपका इतना अच्छे से पॉपअप कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले मैं ब्लैक आईलाइनर ली हूँ, उसको मैं अप्लाई कर ली आई का कॉर्नर तक। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन आईलाइनर ली और जस्ट उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँगी जितना दूर तक मैंने ब्लैक आईलाइनर लगाया था, जस्ट हल्का सा ऊपर मैं इसका लगाऊंगी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो आप इस तरीके से पेंसिल लीजिए और पेंसिल को उसके ऊपर लगा दीजिए। और जब आप ये पेंसिल लगा लेंगे ना ब्लैक आईलाइनर के ऊपर, तो ये ना इतना अच्छा पॉपअप हो जाएगा ना, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैं हल्का हल्का सा मस्करा भी लगा ली और यहाँ पर मैं शुगर का लिपस्टिक लगा रही हूँ पिंक कलर का। पहले मैं सोची रेड कलर का लगाऊंगी, फिर मैं बोली नहीं आज पिंक लगाते हैं, और आने वाले मंडेज में अलग अलग ये चेंज करेंगे अपना लुक और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर इतने में ये आ गए, मैंने जैसे तैसे अपने ब्लाउज को फिट किया और उसके बाद ये आ गए। वैसे मेरा ब्लाउज पता है, मेरा ब्लाउज का डिज़ाइन की वजह से मुझे अच्छे से फिट हुआ है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एंड यहाँ पर ये भी हेयर कॉम कर रहे थे, इनको भी जाना था दुकान पर, तो ये भी फटाफट रेडी हो रहे थे। तो मैं बोली जाइए थोड़ा सा पूजा कर लीजिए, तो फिर ये पूजा करने के लिए इधर मेरा रेडी हो गई और मैं पहनी फटाफट सारा ज्वेलरी। तो फटाफट मैं ज्वेलरी वगैरह भी पहन रही थी। मैं सोची कि इतना जल्दी में थी ना कि डायरेक्ट डालने का मन था मेरा, लेकिन मेरा सर से गया ही नहीं। तो फिर मैं सामने से पहनी, फिर मैं जल्दी जल्दी ईयर रिंग्स पहनी, उसके बाद मैंने जो चूड़ी लेकर आई थी, और मैं ना हमेशा चूड़ी अपने साइज से एक साइज बड़ा लेती हूँ, जो मेरा इस तरीके से फुट देवर घुस जाता है, फुट देवर निकल जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और थोड़ा बड़ा लेने के बाद क्या होता है कि जो सामने में मैं गोल्ड का कुछ भी लगाऊँ ना, तो उसको मैं थोड़ा छोटा पहनती हूँ ताकि वो मेरे चूड़ी को लॉक कर देता है, बाहर निकलने नहीं देता है। और इसी के साथ ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं हेयर में सामने से क्लिप लगाऊँ, वैसे मैं पूरा जूड़ा बनाकर जाऊँगी मंदिर, मैं हेयर खुला नहीं जाती हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद सबसे पहले मैं आलता लगाई, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग भी है और हम पूजा करने के लिए मंदिर भी जाएंगे, तो मैं भर भर के आलता लगा रही हूँ। माँ लगा ली है, माँ लगा कर गई है, वो पूजा कर रही है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी आगे। तो आलता लगाते लगाते कुछ इस तरीके से दिमाग में आया डिज़ाइन, तो ये भी मैं बना ली, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, आप लोग बताना कैसा लगा। तो यहाँ पर मेरा आलता भी लग गया है अच्छे से दोनों पैर में। और उसके बाद मैं इधर आई पूजा घर में और यहाँ पर माँ कर रही है पूजा। हैप्पी सावन माँ, इधर देखिए, हैप्पी सावन माँ। तो माँ अंदर कर रही थी पूजा, तो मैं सोची तब तक मैं बाहर कर लेती हूँ। तो बाहर में मैंने सूर्य भगवान जी को जल दिया, केला गाछ में पूजा की, तुलसी माता जी का पूजा की, फिर वहाँ से पूजा करके हम आए अंदर। और इधर माँ का पूजा हो गया था, माँ साइड में बैठकर जाप कर रही हैं, बुक्स लेकर रखी हैं पढ़ने के लिए शिव चालीसा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फटाफट पूजा कर रही थी सारा भगवान जी का, फिर मेरा यहाँ पर भी सारा भगवान जी का पूजा हो गया। अब होगा आरती। तो हमारा घर में अच्छे से पूजा हो गया, अब हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे मैं थाल भी पूरा सजा ली हूँ, सारा फूल बेलपत्तर सब कुछ ले ली हूँ पूजा का सामान, और इसको मैं ढक ली हूँ। और जो फल वगैरह ली हूँ चढ़ाने के लिए, वो मैं अलग से प्लास्टिक में ले ली हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर में जाएंगे पूजा करने के लिए, बगल का मंदिर में नहीं जाएंगे, तो इसीलिए। फिर यहाँ पे बाहर निकले तो दूध वगैरह, दूध घी सब कुछ ले ली थी, बस दही लेना बाकी था, तो माँ दही खरीदी। फिर हम लोग टोटो लिए और टोटो से हम पहुँचे मंदिर के पास। तो देखिए हम आए ये मंदिर। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पर पूजा करने आई थी, तब माँ नहीं थी, माँ बिहार गई हुई थी, तो ये माँ पहली बार यहाँ पर पूजा करने आए। तो यहाँ पर आए हम लोग, शिव जी का पूजा किए, बहुत अच्छे से पूजा हो गया, ज़्यादा भीड़ भी नहीं था। और यहाँ पे ना सारे भगवान जी का मंदिर है, कुछ इस तरीके से सारे तरफ रखा हुआ है, लेकिन हाँ आप
टच करके पूजा नहीं कर सकते, आप बाहर से ही पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को शिव जी दिखा रही हूँ, क्योंकि अब आए हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए, तो शिव जी को तो दर्शन करवाना बनता है। बट सब लोग इतना चीज चढ़ा चढ़ा के ना शिव जी को एकदम ढक दिए हैं, फिर बहुत मुश्किल से मैंने शिव जी को दिखाया। उतने में मिली मुझे दो मेरी प्यारी सी फैन जो मेरा सारा वीडियोज़ देखती है, उनकी मम्मी है क्यूट सी, तो इनसे मिलना हुआ और इनसे बातचीत हुआ। इन लोग बोल रहे थे कि सारा वीडियोज़ देखते हैं, तो अच्छा लगा मुझे इस तरीके से कि वीडियो के थ्रू भी आप लोग मुझे जान रहे। बाकी सिलीगुड़ी में मुझे उतना लोग पहचानते नहीं थे जितना आप पहचानने लगे हैं। एंड फिर उसके बाद जाते जाते मैंने बनवाया मोली धागा, फिर पंडित जी को पैसा दी, फिर मैं अपनी क्यूट से सब्सक्राइबर लोग को बाय बोली और हम लोग टोटो लिए और हम लोग चल दिए घर की। और यहाँ पर रास्ते में भी बहुत बारिश हो रहा था, देख सकते हैं पूरा रोड भीग है और पूरा ऑरेंज ऑरेंज कपड़ा मिल रहा है। उसके बाद घर आई और पूरा थका थका सा फील हो रहा था। मैं सोची रुको थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर वापस से किचन में आई। किचन पूरा साफ़ सुथरा कर दी थी मासी। सबसे पहले मैं बनाई चाय और यहाँ पर मैं ये सब रखी हूँ फ्राई करने के लिए। चाय के साथ होता है ना हल्का फुल्का, ये खा लो तो पेट भी भर जाता है, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा घी में सब कुछ फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, पहले ये सब फ्राई करूँगी, लास्ट में मखाना फ्राई करती हूँ, क्योंकि जो भी घी बचा है ना वो सारा मखाना एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारा मखाना कांजू सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है और मैं इतना सा लेकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मन नहीं कर रहा था खाने का। तो थोड़ा सा चाय और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इधर माँ खा रही हैं, उधर भगवान जी के तरफ देख सकते हैं दिया जल रहा है और मैं हम लोगों ने फ़ैन भी चला के रखा है, तो लग रहा था कि कहीं भूत ना जाए, बट नहीं चल रहा था। फिर इधर हम लोग खा के मैं गई थोड़ा आराम करने के लिए, तो उतने में पापा जी आए, तो वो लेकर आए बहुत सारा अनारस, और ये थे तो ये आए लेकर नारियल पानी। तो अभी मैं नारियल पानी पीऊँगी, फिर अनारस माँ काटने गई हैं, तो माँ काट कर ला कर दी, तो मैं बालकनी में बैठ कर, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना। एंड ये रही मैं, तो मैं बस बैठ के खा ही रही थी और थोड़ा रील्स वगैरह भी स्क्रॉल कर रही थी, सोची कि दो चार रील्स बना लूँ। तो अभी सोची पहले खा लेती हूँ फिर बनाऊँगी, थोड़ा अपना भूलिया ठीक करके, पूरा कैसा अजीब सा हो गया है। एंड साथ ही में अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rajpriya29no, भी मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगी, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पर मुझे फॉलो करिएगा। और फेसबुक पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, मेरा फेसबुक आईडी भी राजप्रिया ही है, मतलब आप कहीं पे भी जाइएगा तो मिल जाएगा। फिर हम इनको पकड़ के लेकर गए वीडियो बनाने के लिए, फिर हम लोगों ने बहुत सारा रील शूट किया, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर देखिएगा। एंड फिर नीचे आई, बहुत अजीब अकबक लग रहा था, मतलब पूरा दिन साड़ी पहने हुए चला गया था, शाम होने वाला था, तो सबसे पहले मैं साड़ी खोलकर फेंकी और मैं पहन ली अपना फेवरेट नाइटी। मुझे नाइटी पहनना बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे, देख सकते। लेकिन हाँ, पता नहीं मैं फेस क्यों नहीं धोई थी, भगवान ही जाने, नहीं तो पहले तो मैं फेस ही वॉश करती हूँ। तो उधर माँ दिया जला रही थी, इधर मैं फलारी का रेडी करी थी, सफल वगैरह काट रही थी, तो इधर अब मैं फलारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हैप्पी सावन। हैप्पी सावन। पूरा दिन खत्म हो गया, अब रात आ गई सोने का, तो बोल रहे हैप्पी सावन। बोलिए हैप्पी सावन। सो मेरा फलारी होगा, मैं बस यही कुछ खाती हूँ, और वैसे बहुत लोग बहुत कुछ खा पाते, मैं नहीं खा पाती, मुझे मतलब ज़्यादा फल वगैरह मेरे से नहीं खाया जाता है, तो मैं ऐसे ही जैसे सीजनेबल हुआ तो आम खा ली, और अगर ऐसे कुछ रहा फेस्टिवल तो एप्पल या बनाना से मेरा हो जाता है, मतलब एक साथ तरह तरह का फल नहीं खा पाती, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो मेरा अच्छे से खाना हो गया एंड अभी मैं किचन में गई थी, रात का खाना भी बन गया है, रोटी सब्जी। अभी तो खैर रात ही हो गया है, पापा जी खा भी लिए हैं, अभी ये लोग बाकी है खाने के लिए, ये लोग खाएंगे, हम लोग तो मस्त खा लिए हैं। और अब मैं आई हूँ रूम में, बहुत गर्मी है एक्सेस, मतलब आज मतलब होता है ना अलग ही आज का मौसम है। सुबह में मैं उठी तो हवा अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया, फिर बारिश छूट गया, हल्का सा धूप निकल गया, जब हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गया, फिर पूजा करके आ रहे थे तो भी बारिश हो रही थी झिमी झिमी, फिर घर पर आया तो बहुत कड़ा वाला धूप निकल गया था, फिर थोड़ा देर बाद मतलब हल्का छांव हो गया, फिर बारिश हो रहा है, फिर छांव हो रहा है, फिर धूप हो रहा है, मतलब इतना अजीब सा मौसम है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो फिलहाल अभी तो ऊपर मैं छत पर गई थी, छत पे बहुत अच्छा हवा चल रहा था, फिर मैं अभी नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद फिर फलारी वगैरह किए और खाना भी वगैरह बन गया है। अब हम बस मस्त जा रहे हैं, पहले फेस को अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आज पर दिन भर मैं ऐसे कैरी कर रखी हूँ, नहीं तो ऐसे मैं फास्टिंग या फेस्टिवल में ना मतलब थोड़ा टाइम तक रखती हूँ, और सबसे पहले अपना मुँह ही धो लेती हूँ। तो ड्रेस तो मैं चेंज कर ली थी कब का, लेकिन फेस को मैं रखी थी, मैं सोची थी कि
नाइटी पे एक दो रील्स बनाऊंगी, लेकिन नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब मन नहीं कर रहा है मेरा। ऑलरेडी मैं बहुत सारे रील्स बनाई हूँ, इनके साथ भी बनाई हूँ, जाते जाते भी पकड़ा गए हैं, तो एक दो रील्स बना ली हूँ। सब मेरा आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, तो आप मेरा इंस्टाग्राम एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।